वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या वह आपको अपने सपनों में देख रहे हैं। ये एक सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड टॉपिक है। 2-3 बार मैं ये सेम कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ और मुझे अब ये रीडिंग करते वक्त ये सजेशन याद आ गया कि क्या वह आपको अपने सपनों में देखते हैं। बिकॉज एज इफ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दैम, अट्रैक्टिंग दैम इन योर लाइफ, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या इसका असर उन पर हो रहा है, कि आपकी मैनिफेस्टेशन या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर उन पर हो रहा है, क्या उनके ड्रीम्स में आप नजर आते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बट ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र है, ये आपका कोई भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी और जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, चाहे 5-10 साल क्यों ना हो गए हों, आप जब भी मुझे सुन रहे हैं ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। और मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मिस कर पाए, इसीलिए भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, न्यू यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आप उनके सपनों में आ रहे हैं, क्या वह आपको अपने सपनों में देख रहे हैं। ठीक है, लेट मी शफल इट प्रॉपरली। Spirits, please guide us. Oh my God. Yeah. 10 of Swords. Yeah. Let's see what else. Spirits, please guide us. Oh my God, 4 of Cups. Interesting. Okay, King of Wands. Yeah, okay, I'm sorry. तो क्या आप उनके सपनों में आते हैं? व्यूअर्स देखिए, मुझे यहां पर ऐसा नजर आ रहा है दिस पर्सन, ये जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये बहुत खुश नहीं हैं अपने जीवन में, अब किसी दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। बिट्रेयल महसूस कर रहे हैं, रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जैसा हमारा प्रश्न है कि क्या आप इनके सपनों में आ रहे हैं, क्योंकि आप इनके बारे में जिस तरह से सोच रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके सपनों में आते हैं बट रेयर आते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है, ये बहुत ही रेयर हो रहा है, यानी कभी कभी आप इनके सपनों में आते हैं। और
अक्सर ऐसा होता होगा कि 2 बजे के बाद की जो नींद है उनकी, उन्हीं सपनों में आ पाते हैं। यस, अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं गाइस, तो जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बहुत बेटर रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। इनके सपनों में आप आ तो रहे हैं लेकिन बहुत रेयर आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज समवेयर फीलिंग रिजेक्टेड। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, और आप इनके सपनों में आते हैं तो भी यही देख रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। आप इनको रिजेक्ट कर रहे होते हो इनके सपनों में, ये आपके पास जा रहे होते हैं, आपसे कुछ कन्फेस कर रहे होते हैं, या तो अगर इन्होंने कोई झूठ बोला था तो ये सच बता रहे होते हैं, या इन्होंने बहुत सारी सच्चाई छुपा ली थी तो ये वो रिवील कर रहे होते हैं। सपने में ये शायद ऐसा देखते हैं कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो शायद ये उस इनके मन में जो डर है, मैं कह रही हूं ना, ये पर्सन काफी डरे हुए हैं, इनके मन में काफी फियर है, काफी पेनफुल सिचुएशन में है ये। इनके मन का फियर मुझे नजर आ रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं कि सच्चाई आपके सामने आएगी तो आप इन्हें रिजेक्ट करोगे। पूरा सच जब आपके सामने रखा जाएगा, एक रियलिटी आपके सामने जब आएगी, तब आप इन्हें रिजेक्ट करोगे। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से इन्होंने अपना एक ओपिनियन बनाया है या अज्यूम किया है ऐसा, कि इतनी बात अगर आपको मालूम पड़ेगी तो नहीं लगता कि आप इनके पास और रुकने वाले हो। यू विल डेफिनेटली लीव देम और रिजेक्ट देम, ऐसा इनके सपनों में आता है। और ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से नहीं आ रहा है, ये इनके डर की वजह से आ रहा है। इस पर्सन को डर है आपको खो देने का, बिकॉज दिस पर्सन हैज कमिटेड अ मिस्टेक। इनसे कोई मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक ऐसी भी हो सकती है, सच को छुपा लेना, या फिर झूठ को बोल देना, या कुछ ऐसा करना जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए लेकिन आप अनअवेयर हैं, ठीक है, या अपनी लाइफ की सिचुएशंस एज इट इज बताना नहीं, यू नो, मिक्स करके मैनिपुलेट करके आपको बातें बताना। कहीं ना कहीं जो चीजें इन्होंने टेम्परेरी बेनिफिट के लिए कर दी वो अब इन्हें तकलीफ दे रही हैं। अब उन्हीं बातों को लेके इनके मन में डर बैठा हुआ है। जैसे हमारे साथ होता है, घर में कोई चीज टूट जाती है और अगर किसी को पता नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि छुपा दें जल्दी, किसी को पता ना चले। फिर जब जब कोई पूछता है कि वो चीज नहीं दिख रही, वो चीज कहाँ है, कहाँ खो गई, तो हमें डर लगा रहता है मन में अंदर ही अंदर कि अब इन्हें पता लगेगा ना तो पक्का ये मुझे मारेंगे, या मुझे डांटेंगे, मुझे पनिश करेंगे, या मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, या चिल्लाएंगे तो पक्का। तो हम डरते रहते हैं पल पल उस बात को सोच सोच के कि इनके सामने सच ना आ जाए, इनको सच ना पता चल जाए, ठीक है, ये कहीं इनको पता ना लग जाए कि मुझसे ही टूटा था। तो जब तक सच सामने नहीं आता हम डरे हुए रहते हैं। तो इन्होंने भी कुछ मिस्टेक करी है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिफर कर सकता है कि मिस्टेक कोई बड़ी करी है या छोटी सी करी है, बट सच सामने आने से डर लगता है। तो ये उसी डर में है, और उसी डर में इनकी ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली हालत है, जो एक इंसान रिजेक्शन के बाद इतना पेन फील कर सकता है जितना ही फील कर रहे हैं। लेट मी ट्राई टू, देख सकते हैं, जैसे व्यक्ति आप देख रहे हैं, इनके पीछे 10 तलवारें इनकी पीठ में लगी हुई हैं, इस तरीके का ये पिक्चर है। समवेयर ये शो करता है कि इतना इन्हें डर है या इतनी इन्हें तकलीफ है। तो ये मैंने कहा ना, पेनफुल सिचुएशन में है, ये अपने ही डर को ओवरकम नहीं कर पाए हैं। मैं यहाँ पर आपका इतना नहीं देख पा रही हूँ कि आप सच में इनको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन इनको सपने ऐसे ही आते हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं या आपसे कुछ कन्फेस कर रहे हैं तो आपने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ इन्हें ड्रीम आ रहा है, ठीक है। तो कुछ किया हो सकता है इन्होंने, मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूवर्स, आपकी पर्सनालिटी इनको थोड़ी किंग लाइक लगती है। नो मैटर यू आर फीमेल और मेल, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल या फीमेल मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, इनको आपकी पर्सनालिटी किंग जैसी लगती है, एक राजा जैसी जो न्याय करेगा, एक जस्टिस करेगा, ऐसा किंग जो सही गलत देखकर एनालाइज कर डिसीजन ले लेगा, और अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए इक्वल पनिशमेंट होगी, चाहे कोई अपना हो या पराया। तो आपकी पर्सनालिटी उन्हें एक स्ट्रांग पर्सनालिटी लगती है, यू नो, काफी स्ट्रांग कैरेक्टर लगता है उन्हें आपका,
वो इस बात को जानते हैं कि थोड़ी बहुत बटरिंग करने से, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा प्यार जताने से आपको वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे। देर आर पीपल जो सोचते हैं कि थोड़ा सा हम रोमांटिक होंगे, थोड़ा सा हम रो के दिखाएंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, सब कुछ मिला मिलू के हम अपने पर्सन को कन्विंस कर लेंगे हमारे झूठ के लिए। लेकिन वो जानते हैं कि अगर ये आप हैं तो फिर आपको कन्विंस करना इतना आसान नहीं रहेगा। चाहे वो कितनी भी बटरिंग करे, चाहे वो कितना भी रोमांटिक होके दिखाएं, इट वोंट बी इजी टास्क फॉर देम। ओके, यह इस पर्सन से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो कुछ लोगों के लिए 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, किसी के लिए 1 महीना भी हो सकता है। यस, ओके, आइए चलिए देखते हैं कि आपके और इस पर्सन के नाम में कौन कौन से अक्षर हैं। आर हो सकता है, एस हो सकता है, ई, ई फॉर एलिफेंट, डबल ई हो सकता है, डबल ए हो सकता है, एम हो सकता है, वाई, वी, एच, डी, टी, टी फॉर ट्रेन, टी, के। ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, चलिए आगे इस रीडिंग को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं और कुछ भी उनको ड्रीम आता है क्या आपको लेकर, और क्या सोचते, देखते हैं, समझते हैं सपनों में आपको लेकर, देखते हैं व्यूअर्स। ओके, अलोन, इनर वॉइस, अलोन, एंड व्हाट एल्स, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। व्हाट आई कैन सी इज दैट कि कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा, इनकी इनर वॉइस इनको इसी चीज के लिए गिल्ट ट्रिप पर ले जाती है कि यार तुमने झूठ बोला, तुम सच छुपाते हो, तुमने चीट किया है। हम जब कुछ गलत काम करते हैं तो हमारी सोल को तो पता ही होता है कि ये गलत है और हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी सोल ये जानती है, और अब बाद में हमें गिल्ट होता है। तो वो हमारी सोल की वजह से ही होता है क्योंकि अंदर सच कायम है, अंदर पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो इनकी इनर वॉइस, इनकी जो अंतरात्मा है, इन्हें गिल्ट ट्रिप पर ले जाती है, यानी गिल्टी महसूस करते हैं झूठ बोलने के लिए, बातें छिपाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या एक्स वाई जेड कुछ और भी किया हो उसके लिए गिल्टी महसूस करते हैं, और इनकी अंतरात्मा इन्हें गिल्टी महसूस करवा भी रही है, ऐसा समझ लें आप। ठीक है, ये सपने देख रहे हैं व्यूवर्स, तो कुछ ऐसे भी देख रहे हैं कि ये अकेले हैं, एकदम एक डार्क रूम में अकेले हैं, या अंधेरा है या रात हो रही है और ये अकेले हैं, इनके साथ किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का साथ नहीं है, आप भी इन्हें दूर दूर तक नहीं दिख रहे। तो ये इनका सपना भी अगर ऐसा है तो ये भी यही चीज दर्शाता है कि इनकी मिस्टेक्स की वजह से इनके पास अब कोई है नहीं जो इनका साथ दे, इस अंधेरे रास्ते में कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं है, आप इनके जो साथी थे आप भी आसपास नहीं दिख रहे हो। तो ऐसे कुछ डरावने और फियर वाले सपने आते हैं इन्हें, और ये इनके गिल्ट की वजह से आते हैं। व्हेन यू आर गिल्टी दीज थिंग्स हैपन टू यू। ओके, यहां पर ये भी लग रहा है व्यूअर्स चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, आप सब कुछ कहीं सडनली सब कुछ भूल कर, या कुछ ऐसा मिरेकल हो जिसमें उनको ऐसा समझ में आए कि आप सब कुछ पास्ट की मिस्टेक्स भुला के, जो भी हुआ अच्छा बुरा सब भुला कर एक न्यू बिगिनिंग इनके साथ करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये इनकी कल्पना है, ये इनका सपना नहीं है। ओके, तो ऐसा भी इनके दिमाग में चलता रहता है, दे कीप ऑन थिंकिंग लाइक दिस। ओके व्यूअर्स, या
आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प कर पाई है. इस रीडिंग ने थोड़ा बहुत गाइड किया है आपको. अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी हेल्प किया है या रेजोनेट की है आपसे थोड़ी भी ये रीडिंग, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. इवन अगर कुछ परसेंट हुई है या एक्यूरेटली हुई है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं व्यूअर्स. और आप वीडियो को जरूर लाइक करें. अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक्स देखकर मैं समझ पाऊंगी कि ये वीडियो आप लोगों में से कितने लोगों को थोड़ा भी पसंद आया है. और सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ. रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं. इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं. ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं. ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई कमेंट में ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो मेरा नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं रीडिंग के लिए, या ड्रीम टैरो नाम की कोई प्रोफाइल या आईडी बना के आपको कोई रिप्लाई करे और कोई नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करे, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम है. बिकॉज आई डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि मेरे पास अभी समय ही नहीं है. मैं दिन में 3 रीडिंग ऑलरेडी आती हैं और मैं मल्टीटास्किंग भी कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम रीडिंग आई हैव अदर थिंग्स टू डू, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगी मैं ये सब, मैनेज नहीं कर पाऊंगी. लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं पर्सनल रीडिंग करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा आपको सर्विस प्रोवाइड करना. आपको पर्सनल रीडिंग्स देना. तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स.